Hey guys, hope you are doing well. I am Bhupendra Chandra Thor. और आज के सिलेक्शन में अपन बात करेंगे नंबर सीरीज में। तो गाइज नंबर सीरीज में देखना बेसिकली आपके चार छः टोटल छः टाइप के आपके क्या लॉजिक्स हैं। अगर आपकी छः लॉजिक्स अच्छे से कवर कर लेते हो, मीन्स कि इनको आप समझ लेते हो अच्छे से, तो ये मान लीजिए कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और यूजली नंबर सीरीज के ऊपर एक से दो क्वेश्चन आते हैं, तो एक से दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे आसानी से। तो गाइस इसमें सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन से लॉजिक होते हैं, या फिर लिख लीजिए इनको, ऐड का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, स्क्वायर का, क्यूब का और कंबाइंड सीरीज का। अब देखना इसमें होता क्या है। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ऑप्शन ये दिया आपका 6, 7, 8 और 9। तो गाइस इसमें बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो सारे बता देंगे कि आगे क्या आएगा, कि यहाँ पे आपका कंटिन्यूस क्या हो रहा है, एक एक यहाँ पे ऐड हो रहा है, या फिर कंटिन्यूस सीरीज चल रही है आपकी, है ना, नेचुरल नंबर्स की। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। एक तो क्या हो गया यहाँ पे कि नेचुरल नंबर्स जो है प्राकृतिक संख्याएं चल रही है, ठीक है, सीरीज में। या फिर अपन कह सकते हैं कि प्लस वन का लॉजिक लग रहा है। प्लस वन मीन्स कि पहले वाली डिजिट के अंदर प्लस वन करने पर सेकेंड आई, सेकेंड में प्लस वन करने पे थर्ड, थर्ड में प्लस वन करने पे फोर्थ, तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये आपका प्लस वन का लॉजिक हो गया। तो अगर ये प्लस वन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करें तो वो लॉजिक हो जाएगा आपका एडिशन का। और ये हो गया आपके कुछ दूसरे लॉजिक्स होते हैं, लाइक नेचुरल के होते हैं, प्राइम नंबर्स के होते हैं, ठीक है, और रियल नंबर्स के होते हैं, इनके अलग से होता है। इनके अंदर ये नहीं कि कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, इनका एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर मैं अच्छे से उनको प्रिपेयर कर पाता हूँ तो। ओके तो गाइस ये था एक बेसिक आपका एडिशन का। एडिशन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है दो डिजिट्स के अंदर ऐड होगा तभी आगे वाली डिजिट आपकी निकल के आएगी। अब यहाँ पे सपोज दैट आपको दे दिया होता 10, 9, 8, 7 और नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें 6, 5, 4, 2 ये आपके ऑप्शन दे दिए इसने एग्जामिनर ने। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बता सकता है क्या आएगा 10, 9, 8, 7। तो जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में काउंटिंग कह सकते हो, 10 to 1 तक काउंटिंग चल रही है, ठीक है, और माइनस वन का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, यानी कि 10 - 1 - 9, 9 - 1 - 8, 8 - 1 - 7 और 7 - 1 - 6 ये आपका होता माइनस का लॉजिक, ठीक है। तो एक एडिशन का, एक सब्सट्रैक्शन का। अब ये नहीं कि केवल इतना ही बताऊंगा मैं आपको, अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी नंबर सीरीज पे एकदम जीरो लेवल पे, जिनको पता नहीं है कि नंबर सीरीज क्या होती है, तो एक बार थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाए कि नंबर सीरीज है क्या चीज़। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिक्स क्या क्या होते हैं, फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की, आपके एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर। ओके तो अभी अपन ने ये देखा, एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया, एंड मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दिया 1 1 देन 2, 4, 8, 16, 32 नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ऑप्शन में आ गया आपका 60, 62, 64 और 66। इनमें से क्या आपका नेक्स्ट आएगा ये आपको बता रहे। तो गाइस इसमें देखना क्या हो रहा है कि जो पहली डिजिट आती इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, तो 2 × 2 = 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और 32 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 2 से 64। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 to 9 तक का ही हो सकता है कि यहाँ पे आपका 1000 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो सकता है यहाँ पे आपका 550 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो कुछ भी डिजिट हो सकती है इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बट आपकी जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई टिपिकल आएगा नहीं,
थाउजेंड का देखा जाए तो ज्यादा टिपिकल है नहीं, यहाँ पे कर देता है 2000, देन इसके आगे कर देता है 20,000, देन 2 लाख, ऐसे कर करके क्या करता है वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है हर डिजिट को, वैसे ही 1000 से भी कर सकता है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपका एक बेसिक था मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन के बाद में क्या था स्क्वायर पे, स्क्वायर की बात की जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया 1 देन 4 9 देन 16 25, तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा? ऑप्शन में आपका 28 30 34 36, इनमें से क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे देखना। अब ये देखो कि जो आपका वन है, वन का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या आता है, वन आता है, बट टू का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, फोर। थ्री का स्क्वायर करने पे अपने को क्या मिलता है, नाइन। देन फोर का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है, 16। फाइव का स्क्वायर करने पे 25। तो अब देखना 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस चल रहा है, तो यहाँ पे इसके जस्ट बाद में 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका स्क्वायर का यहाँ पे लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। देन अपन क्यूब की अगर बात करें, क्यूब में क्या करेगा, स्क्वायर की जगह पे क्यूब दे देगा, बस इतनी सी बात है। क्यूब में क्या करेगा, अरे जैसे कि क्वेश्चन कर दिया 1 देन कर दिया 8 1 8 27 64, तो नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा क्या आएगा, सपोज दैट आपको ऑप्शन दे दिया 88 98 108 125, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब देखना क्यूब की बात की जाए तो 1 की पावर 3, यानी 1 की क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर कितनी हुई होगा, बट अगर 8 की बात करें तो 8 को अपन ले सकते हैं 2 टू द पावर 3, एंड 27 को अपन ले सकते हैं 3 टू द पावर 3, एंड 64 को ले सकते हैं 4 टू द पावर 3। तो नेक्स्ट देखना 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 25 × 5, यानी 125 आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ये है कि यहाँ पे पावर में चेंज हो गया, स्क्वायर और क्यूब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक जैसे ये दोनों। देन बात करते हैं कंबाइंड सीरीज की। कंबाइंड सीरीज में क्या, कई कैंडिडेट्स मार खा जाते हैं, कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, बिकॉज कंबाइंड सीरीज जो आपकी होगी इसमें क्या करेगा कि कोई भी दो सीरीज है इन दोनों को आपस में ऐड कर देगा। सपोज दैट आपकी एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, इन दोनों को ऐड करेगा। अब हो सकता है कि इसके अंदर एडिशन का लॉजिक लग रहा हो, इसमें सब्सट्रैक्शन का लग रहा हो, या फिर दोनों में एडिशन का लग रहा हो। माय मीन्स टू से दैट कि दोनों ही सीरीज के अंदर अलग अलग लॉजिक्स भी लग सकते हैं और दोनों में सेम भी लॉजिक लग सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये करेगा क्या, सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दे दिया 20, sorry, 21, 20, 24, 18, 27, तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन हो गया आपका 13, 18, 16 और 19, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ये देखना है। अब कंबाइंड सीरीज का जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेटर आपका यही है कि जब आपको सीरीज, एक नॉर्मल सीरीज अब तक अपने क्या देखी कि पहले छोटी टर्म देन बड़ी टर्म देन उससे बड़ी देन उससे बड़ी, या तो इसी वे में था, या फिर सबसे बड़ी फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, तो या तो आपका क्या होगा जो रिडक्शन मैनर में होगा या इंक्रीजिंग मैनर में होगा। बट इसमें देखना एक बार अप देन डाउन देन अप देन डाउन, तो जब ये अप एंड डाउन का केस चल रहा हो तो वो आपकी कौन सी सीरीज होगी, कंबाइंड सीरीज। और कंबाइंड सीरीज में कभी भी आपको ये गलती क्या नहीं करनी है कि जब आपको पता लग जाए कि ये कंबाइंड सीरीज है, जब ये कंबाइंड सीरीज है तो शुरू के जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स को कभी भी आपस में कैलकुलेट नहीं करना है। मीन्स कि अभी तक अपन क्या कर रहे थे पहले वाले में, इसमें कुछ जोड़ रहे थे, कुछ घटा रहे थे, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे, या फिर उसका स्क्वायर करके ये टर्म बना रहे थे, बट कंबाइंड सीरीज में आपकी ये नहीं बनेगी। कंबाइंड सीरीज में क्या होता है, आपकी एक सीरीज तो बनेगी 1 3 5 7 9, इस तरीके से, यानी कि एक तो आपके ओड नंबर पे जितने डिजिट्स होंगे ना,
एक कौन की सीरीज बन जाएगी, एक बन जाएगी आपकी टू देन फोर देन सिक्स, और एक आपकी सीरीज हो जाएगी जो एवन नंबर पे डिजिट्स हैं उनकी। ओके, तो यहाँ पे एक सीरीज आपकी ये हो गई और एक सीरीज आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गई दो सीरीज, इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बना दी इसने, मिश्रित श्रेणी बना दी, कंबाइंड सीरीज बना दी। ओके, अब देखना अपने को पूछा कौन सी के अंदर है, इस वाले के अंदर आ रहा है नया टर्म, यहाँ के बाद में ये, इसके बाद में ये, तो ये टर्म अपने को पूछा है किसकी, सेकेंड वाली सीरीज का, ठीक है। तो फर्स्ट वाली सीरीज को आप छोड़ दो, इसके चक्कर में पड़े मत, अगर आपको एक इसी का पूछा तो इसके चक्कर में पड़े मत। अब इसमें देखना लॉजिक क्या लग रहा है, सपोज दैट 21, 24 और 27 नहीं है, आपकी बचाती है 20, 18 और लास्ट में आपका क्या आएगा। अब देखना कि 20 माइनस 2 करते हैं तो 18 आता है, ठीक है। अब इतने भी अपने को पता नहीं चल रहा है, बट अगर अपन ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन की तरफ देखें, पहला है 13, तो 18 में से 13 माइनस किया तो कितना आया 5, 2 और 5 का कोई लॉजिक नहीं है। देन यहाँ पे 18 18 माइनस 18 0, ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। देन 16 का हो सकता है, ये रिपीट हो रहा हूँ, यहाँ पे -2, यानी कि -2 क्या रहा है आपका, रिपीट हो रहा है, तो -2 करने पे आपका 16 आ रहा है, तो ये 16 आपका यहाँ पे लॉजिक हो गया, ठीक है। और कंबाइंड सीरीज में आपसे क्या कर सकता हूँ, सपोज दैट यही क्वेश्चन है, इसको अपन थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। राइट, इसने दे दिया 20, 21, 20, 24, 18, 27, 16, देन ये दो टर्म्स आपसे पूछ रही है, ये अगली दो टर्म्स आपकी क्या आएंगी, इसने ये पूछा है। सपोज दैट आपका हो गया 28 और 16, देन 30 और 14, देन 23 और 18, एंड देन 32 एंड 14। तो आपको ये ऑप्शन मुझे बताना है कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से चेक कीजिए इसमें कौन सा होगा, वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, इसमें दोनों टर्म्स बतानी है अपने को, ठीक है। अब देखना आपकी जो पहली डिजिट है ये है, तीसरी ये है, ये पांचवी, देन ये इसकी सातवीं, तो एक सीरीज हो गई आपकी कौन सी, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड देन सेवंथ, एक सीरीज ये हो गई। देन दूसरी सीरीज कौन सी बताई थी अपन ने, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ और देन एट्थ, तो अपने को सेवंथ और एट्थ नंबर पे जो डिजिट्स हैं ये दोनों पूछी हैं, ठीक है। ये आपकी सेवंथ वाली है, ये एट्थ वाली है, हमेशा एग्जाम में याद रखना कि यहाँ पे जो पहले वाला दिया हुआ है ये यहाँ पे होगा, सेकेंड वाला यहाँ पे होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें देखना अपने को दोनों ही पूछ रही है। अब अगर अपन बात करेंगे सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा है आपका, ये सीरीज में आपका लॉजिक लग रहा है 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 3 कितना आएगा 30, तो 30 का आपका ऑप्शन ही एक है, यही हो जाएगा, तो दूसरी वाली सीरीज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट आपका यहाँ पे होता ये 30 और 15, तब आपको चेक करना पड़ता कि भाई 30 दो जगह पे है, अब अपने को नेक्स्ट सीरीज भी चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या था, -2 20 -2 18 18 -2 16 16 -2 14, तो ये आपका कैंसिल, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो गाइज ये होता है आपका कंबाइंड सीरीज में। तो गाइज आई थिंक सो आप समझ चुके हैं कि लॉजिक्स किस तरीके से होते हैं और किस वे में अपने को क्वेश्चन सोल्व करना होता है, क्या माइंड अप्रोच अपनी रहनी चाहिए, और ये अपन कैसे पता करेंगे कि कौन सी सीरीज सॉरी कौन सा लॉजिक कहाँ पे लग रहा है, ये आपका पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। और उस प्रैक्टिस के लिए अपन क्या करेंगे, अभी एडिशन पे चलेंगे, एडिशन से शुरुआत करेंगे और इसके एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो गाइज आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये, देन अपन फिर क्या करेंगे, अगले जो भी लॉजिक्स हैं उन सबके ऊपर अपन एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है देन आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, और अगर आप बुक है जो भी बुक सोल्व कर रहे हो उसमें भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे बताइए। और गाइस हाँ, इसके अंदर प्रैक्टिस जरूर करना, एक तो ये और एक जो आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग, इनमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज इन दोनों के मिनिमम 3 क्वेश्चन इन दोनों के मिला के आराम से हो जाने वाले हैं आपके NTPC के एग्जाम में। तो गाइस ये मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और अभी तक अपन देखें तो अभी तक अपन ने कौन से टॉपिक पढ़ लिए,
एक तो पढ़ लिया काउंटिंग फिगर, है ना, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में आपका ये मान लीजिए कि 1 to 2 क्वेश्चन इजीली एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। देन काउंटिंग फिगर के बाद में कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का तो ये मान लीजिए कि आप दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन और एक अभी अपन ने नंबर सीरीज कर रहे हैं, नंबर सीरीज की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आराम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म एक क्वेश्चन है। और अगर ये दो आप पढ़ रहे हो तो मैंने कहा था एनालॉजी आपका अच्छे से होगा, ठीक है। तो एनालॉजी में तो ये मान लीजिए कि मिनिमम आपके दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये दो टॉपिक पढ़ने से आपके 2, 3 और 4 4 से 7 क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस हैं, मात्र ओनली ओनली 3 टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तब। तो अब अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपके आराम से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे इन 4 टॉपिक्स को मिला करके। तो गाइज 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्या कर सकता है, लीड दिलवा सकता है, बिकॉज जब मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल, अभी तो खैर आपको क्या करना है कि CBT 1 ओनली क्वालिफाई करना है, बट यही सिलेबस जो आपका रीजनिंग का है वो CBT 2 के अंदर है। तो आप जहाँ यहाँ पे जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो CBT 2 में आपको क्या है, इतना बर्डन नहीं रहेगा, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाओगे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी और जितनी आपकी प्रैक्टिस है अच्छे से हो पाएगी, और जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि अब रेलवे की जो एग्जाम है ना, इसके अंदर इतने नंबर का भी ना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप इतने नंबर से भी लीड कर रहे हो किसी से तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक तो नौकरी बहुत कम मिलती है भारत के अंदर, वैसे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, अगर इतने नंबर से आपको मिल रही है तो बढ़िया है, आप उस बेरोजगारी की लिस्ट में नहीं आओगे एटलीस्ट। तो गाइस आज की वीडियो में केवल अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।